कहानी उत्तर प्रदेश की। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। यूपी की राजनीति के यूं तो कई किरदार हैं और उनकी कई कहानियां भी, लेकिन एक किरदार के जिक्र के बिना आज की ये कहानी अधूरी है। बात हो रही है कल्याण सिंह की। कल्याण सिंह यानी पिछड़ों के पुरोधा और यूपी में बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति के पोस्टर बॉय। यह बात 1991 की है, जब यूपी में पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और कल्याण सिंह उस सरकार के पहले मुख्यमंत्री। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ दौरे पर आए थे और बीजेपी पदाधिकारियों के साथ उनकी एक बैठक थी। इस बैठक में कल्याण सिंह भी शामिल थे। किसी बात पर कल्याण सिंह ने अटल से बीच बैठक में कह दिया था कि आपका हिंदुत्व खोखला है। जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और किस बात पर कल्याण सिंह इतने खपा थे। कल्याण सिंह को मंडल कमंडल की राजनीति का प्रयोग बताया जाता है। 90 के दशक में जब देश भर में मंडल की राजनीति तेज हुई, तब आरएसएस को यूपी में एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो हिंदुत्व के साथ साथ पिछड़ों की राजनीति का भी जवाब बने। संघ की यह खोज कल्याण सिंह पर जाके पूरी हुई। कल्याण सिंह न सिर्फ खुद पिछड़ा समाज से थे, बल्कि उन्होंने जीवन भर इसी दिशा पर काम किया कि इस वर्ग को हाशिए से उठाकर मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए। वह कहा करते थे कि पिछड़ों को बराबर लाया जाए। ये समाज तब तक पूरा नहीं होगा जब तक पिछड़े साथ नहीं होंगे। कल्याण सिंह एक घटना का जिक्र किया करते थे जहां से उनके मन में पिछड़ों के उत्थान की विचारधारा बनी। कल्याण सिंह से कई बार मुखातिब हो चुके यूपी के वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ल बताते हैं, एक बार वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक गड्ढा पड़ा जिसमें पंडित जी गिर गए। पंडित जी ने कल्याण सिंह से कहा कि थोड़ा हम हाथ ऊपर करेंगे और थोड़ा तुम हाथ बढ़ाओ, हमें निकाल लो। कल्याण सिंह कहते थे कि यह बात मेरे लिए मंत्र बन गई। कल्याण सिंह ने यूपी में अपने पहले कार्यकाल में पिछड़ी जाति को बीजेपी से जोड़ने के लिए काफ़ी काम किया। इसके पहले बीजेपी को ब्राह्मण ठाकुर और बनियों की पार्टी कहा जाता था। यह ठप्पा हटाने का काम असल मायनों में कल्याण सिंह ने ही किया। कल्याण सिंह पार्टी में पिछड़ों के बजाय सवर्णों को दी जा रही तरजीह से भी खफा रहते थे। सीएम पद पर रहते हुए वह खुद पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट देखते थे और उसमें सवर्णों के अलावा दूसरी जातियों के लोगों को भी समाहित करने को कहते। एक बार की बात है, उन्होंने बीजेपी जिलाध्यक्षों की लिस्ट फाड़कर फेंक दी थी और नेताओं को फटकार लगाते हुए कहा था, कोई और चेहरे नहीं है क्या? उन्हीं 2-3 जातियों को पकड़ लिया जाता है, अन्य वर्गों को भी समाहित कीजिए और नहीं मिल रहे हैं तो ढूंढिए। कल्याण सिंह ने अपनी नाराजगी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सामने भी जाहिर कर दी थी। हुआ यूं कि 1991 में कल्याण के सीएम रहते अटल बिहारी वाजपेयी एक बार लखनऊ दौरे पर आए थे। पदाधिकारियों के साथ उस बैठक में कल्याण सिंह खुद भी मौजूद थे। बैठक के बीच अपनी बात रखते हुए कल्याण ने खड़े शब्दों में अटल से कहा, साहब, समाज में समानता और समरसता नहीं होगी तो आपका हिंदू समाज की कल्पना करना बेकार है, आपका हिंदुत्व खोखला है। फिर कल्याण सिंह ने कहा, राम की मदद किसने की? राम के साथ कौन थे? वे सब पिछड़े वर्ग से थे, आदिवासी, दलित और भील, इसलिए इन्हें साथ लाए बिना आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। पिछड़ों के प्रति प्रेम के चलते कल्याण सिंह का कई बार विरोध भी हुआ था। लखनऊ में बीजेपी के सवर्ण विधायकों की बख्शी का तालाब में बैठक हुई, लेकिन कल्याण सिंह ने कभी इसकी परवाह नहीं की। हालांकि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस के बाद कल्याण सिंह सरकार बर्खास्त हो गई। इसके बाद से बीजेपी के साथ उनके रिश्तों में तल्खी बढ़ती गई और वह पार्टी में आते जाते रहे। फिर आई 6 दिसंबर 1992 की तारीख। अयोध्या में बाबरी विध्वंस के बाद यूपी से कल्याण सिंह सरकार बर्खास्त कर दी गई। इस घटना के बाद कल्याण सिंह और बीजेपी के बीच रिश्ते तल्ख होते गए और कल्याण सिंह पार्टी से आते जाते गए। यह थी यूपी के सियासी गलियारों से इस हफ्ते की कहानी। आगे ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।